नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट मूड की एक नई वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स के बीच हुए मुकाबले के हाईलाइट मैच के बारे में। दोस्तों, लगातार दो बार की फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 का अपना दूसरा मैच भी आसानी से जीत लिया है। तो वहीं दोस्तों, राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने नेदरलैंड्स को एक तरफा अंदाज में 99 रन से मात दी। इस मैच में दोस्तों, अपने नियमित कप्तान केल विलियमसन की गैर मौजूदगी में भी टॉस गंवाकर अपने पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवियों ने स्कोरबोर्ड पर 7 विकेट पर 322 रन टांग दिए। और वहीं दोस्तों, जवाब में डच बल्लेबाज 46.3 ओवर में 223 रन पर ही सिमट गई। तो वहीं दोस्तों, न्यूजीलैंड की ओर से पहले विल यंग, रचिन रविंद्र और टॉम लेथम ने 8 शतक लगाए। तो वहीं दोस्तों, धुआंधार बल्लेबाजी के बाद स्पिनर मिचेल सेंटर ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट झटके, जिसके बाद दोस्तों नेदरलैंड्स की ओर से कॉलिन एक्रम ने क्रीज पर वक्त बिता पाए, जिन्होंने दोस्तों 73 बॉलों में 59 रन बनाए। और अब न्यूजीलैंड का अगला मैच दोस्तों 13 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा, तो नेदरलैंड 17 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका का सामना करेगी। अब बात कर ले दोस्तों, न्यूजीलैंड ने खड़ा किया रनों का पहाड़। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के लिए ओपनर विल यंग 80 गेंदों में 70 रन और रविंद्र ने 51 गेंदों में 51 रन बनाया। उसके बाद दोस्तों, दूसरे विकेट के 77 रन की साझेदारी से अच्छा मैच तैयार किया। और वहीं कप्तान टॉम लेथम ने अंत में 46 गेंदों में 53 रन की पारी खेलकर टीम को स्कोर को 300 रन के पार पहुँचाया। और नेदरलैंड्स के गेंदबाजों ने हालांकि धीमी पिच पर अपनी गेंदबाजी से प्रभावित भी किया, लेकिन टॉम ने 32 रन के रूप में टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में शतक जड़ने वाले रविंद्र और यंग ने इस बार की पारी संभाली। और यंग और रविंद्र हालांकि 8 शतक पूरे करने में बाद क्रम की बॉलों पर 59 रनों पर 2 विकेट ले लिए। इसके बाद दोस्तों, वॉन डेर मर्व का शिकार बने। और दोस्तों, लाथम और डैरिन मिचेल ने 47 गेंदों में 48 रन से 4th विकेट के लिए 53 रन जोड़कर रन गति में इजाफा किया। वहीं दोस्तों, लेथम ने 8 शतक पूरा करने के बाद दत्त की गेंद पर स्टंप होकर 7वें बल्लेबाज के रूप में फरवरी लौटे, तो टीम का स्कोर दोस्तों 49 ओवर में 293 रन का था। इसके बाद दोस्तों, मिचेल सेंटर ने 17 गेंद नाबाद रहकर 36 रन की पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड अंतिम 3 ओवर में 50 रन ही जोड़ने में सफल रहा। तो दोस्तों, ये रही क्रिकेट मूड की तरफ से एक और नई हाईलाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रिकेट मूड के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।